का सम्मान किस तरह करना है। इनकी जो एक्टिंग की तारीफ है वो तो पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री करती है, साथ ही साथ इनके बिहेवियर की भी तारीफ भोजपुरी का हर बंदा करता है। जो भी इनके साथ काम करता है इनका मुरीद हो जाता है। तो चलिए इनसे जुड़ी हुई एक ऐसी बात हम आपको बता रहे हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है और सुनने के बाद आपके मन में कहीं ज्यादा सम्मान बढ़ जाएगा अपने इस सुपरस्टार के लिए। इन दिनों आजमगढ़ में शूटिंग चल रही है निरहुआ द लीडर फिल्म की। इस फिल्म में निरहुआ के जिगरी दोस्त एज अ विलन के रूप में संजय पांडे आपको नजर आएंगे। आपको बता दे निरहुआ और संजय पांडे की दोस्ती काफी पुरानी है और कई दफा संजय पांडे निरहुआ की जमकर तारीफ कर भी चुके हैं। अब यहाँ पर हम आपको बता दे कि संजय पांडे बिलोंग आजमगढ़ से ही करते हैं और आजमगढ़ से निरहुआ का क्या रिश्ता है ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो इन दिनों भाई मजमा लगा हुआ है आजमगढ़ में। जब इस फिल्म की शूटिंग इन दिनों आजमगढ़ में चल रही है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल वहाँ होगा। संजय पांडे जो कि बिलोंग आजमगढ़ से करते हैं, जिनका घर ही आजमगढ़ में है, तो उनके पापा उनके साथ चले आए फिल्म की शूटिंग देखने और उस दिन फिल्माया जाना था फिल्म में एक्शन सीन और होने वाली थी संजय पांडे की जमकर पिटाई निरहुआ के हाथों। अब भाई जैसे ही पापा सेट पर आए दिनेश लाल यादव निरहुआ ने पलट के फट से संजय पांडे से कहा, काहो संजय पांडे आज तोरे पिटाई का दिन है और आज ही पापा को लेकर आ गए। इतने में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने फाइट मास्टर से कहा कि जब तक संजय पांडे के पापा सेट पर हैं तब तक गुंडों को पीटा जाए, यानी कि संजय पांडे के गुंडों को पीटा जाए, जो फिल्म में संजय पांडे के गुंडों का किरदार निभा रहे हैं उन्हें पीटा जाए, यानी कि वो शूटिंग सेट पर 3 घंटे तक रहे, 3 घंटे बाद चले गए। ठीक उसके बाद जमकर धुनाई की फिल्म में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने संजय पांडे की। तो भाई इस कदर का वाकया सुनने के बाद किसी को भी निरहुआ के लिए मन में इज्जत ही बढ़ेगी। वो अपने कोस्टार की तो रिस्पेक्ट करते ही करते हैं लेकिन उनके घर वालों का इतना ख्याल रखते हैं ये बात जानकर बहुत हैरानी होती है। भोजपुरी का इतना बड़ा सुपरस्टार इतना डाउन टू अर्थ है ये देखकर काफी अच्छा लगता है। इसीलिए तो हम यहाँ जरूर कहेंगे कि आज की जो जनरेशन आ रही है एज अ एक्टर के रूप में, आप सभी जानते हैं वो धीरे धीरे भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं लेकिन उनके बीच कितना अंतर द्वंद है ये सभी को पता है। उन्हें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने साथी कलाकारों का सम्मान करना चाहिए और निरहुआ की तरह ही लिबरल बनना चाहिए जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री का मुकाम और भी ऊंचा उठेगा। ऐसी खबरें देने के लिए हम भी तरसते रहते हैं। अच्छा लगता है जब ऐसी कुछ खबर आपके सुपरस्टार आपके सबसे चहेते स्टार्स की आती हैं। तो भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।